इल्जामात लगाने थे लगा लिए। इल्जामात सही होते तो 8 हफ्तों में फैसला हो जाता। ये मुमकिन है कि सजा सुना दे। बड़ी करप्शन के बड़े मुल्जमान कानून के शिकंजे में, हुजूर कहाँ हैं वो जराए। एवनफील्ड एफेंस का फैसला आज, पनामा, अकामा और अब एवनफील्ड में फैसले की घड़ी। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम, अदालत के अंदर और तराफ रेंजर्स के 500 एहलकार तैनात होंगे। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ की एवनफील्ड केस का फैसला मुआखिर करने की अपील। एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर। वतन वापसी के लिए 7 रोज की मोहलत मांग ली। कुलसुम नवाज की मेडिकल रिपोर्ट भी जमा कराई गई। तुम हो कौन? तुम कौन के मुजरिम हो? तुमने इस मुल्क का अरबों रुपया चोरी किया है। तुम्हें ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिले? फैसला चंद दिन महफूज रखने से इंसाफ और कानून का कोई तकाजा मजरूह नहीं होता। ये सरेंडर करेंगे अदालत के सामने। इल्जाम कितना है? अरबों डॉलर का। कितने बड़े इवेंट में उनको गिरफ्तार किया जाए? मेडिकल टीम ने सब कुछ कंप्लीट करके सामने रख दिया। लोगों को ये फैसिलिटी मिलती है कि वो जब चाहे चले जाएं, जब चाहे आएं। आसिफ जरदारी, उसका बेटा जिसने पाकिस्तान में 1 किलोमीटर जमीन चल के नहीं देखी, वो अब तक प्राइम मिनिस्टर की तैयारी कर रहा है। मरियम शरीफ ने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया, लेकिन वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है। आज नए कसूरी